अभी हम लोग भारत माता मंदिर के दूसरी मंजिल सूर्य मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। भारत के प्रसिद्ध नायकों को समर्पित है ये सूर्य मंदिर। भारत माता मंदिर भारत माता को समर्पित एक बहुमंजिला मंदिर है। इस मंदिर का उद्घाटन 15 मई 1983 को इंदिरा गांधी द्वारा गंगा नदी के तट पर किया गया था। यह समन्वय आश्रम के निकट स्थित है और 180 फीट की ऊंचाई तक 8 मंजिला है। प्रत्येक मंजिल भारतीय इतिहास के एक युग को दर्शाती है, जैसे रामायण काल के दिनों से लेके, और यह है तीसरी मंजिल का मातृ मंदिर, भारत की पूजनीय महिलाओं जैसे राधा, मीरा, सावित्री, द्रौपदी, अहिल्या, अनुसुईया, मैत्रेयी, गार्गी आदि की उपलब्धियों को समर्पित है। और हमारे साथ भी एक मीरा हैं जो कि उत्सुक मन से इन सभी माताओं को निहार रही हैं, देख रही हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। और चौथी मंजिल पर है संत मंदिर। इसमें जैन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म सहित विभिन्न धर्मों के महान संत शामिल हैं। और यहाँ पे हमारे भारत की सभी महान संतों की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। और अभी हम दर्शन कर रहे हैं खंड 5 छठी मंजिल। यहाँ पर देवी शक्ति के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है। हमारे सभी देवी माताओं को यहाँ दर्शाया गया है। बहुत ही सुंदर और एक मनोरम दृश्य है यहाँ। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आप सब परिवार हरिद्वार आते हैं तो यहाँ अवश्य पधारें। और 7वीं मंजिल पर विष्णु के सभी अवतारों को समर्पित है। 8वीं मंजिल पर शिव जी का मंदिर है, जहाँ से भक्त हिमालय, हरिद्वार और सप्त सरोवर के परिसर का दृश्य देख सकते हैं। ये है शीश महल, कांच का मंदिर। हरिद्वार में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे स्वामी वासुदेव जी महाराज ने बनवाया था। निर्माण 1965 के आसपास शुरू हुआ था। शीश महल मंदिर मिरर पैलेस हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध और सुंदर हिस्सा है। शीश महल मंदिर सुंदर श्री राम मंदिर का हिस्सा है। और यहाँ देखिए मीरा अपने लड्डू गोपाल जी को पालने में झूला झूला रही हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं और बोल रही हैं कि हरिद्वार आना हमारा सफल हो गया। ये शीश महल मंदिर को विशेष रूप से आयातित कांच से डिजाइन किया गया है। पूरे हॉल में प्राकृतिक रोशनी प्रदान करने के लिए दीवारों और छतों पर, दर्पणों पर सुंदर डिजाइनें उकेरे गए हैं जो प्रकाश की एक छोटी सी किरण को भी प्रतिबिंबित करती हैं। ये शीश महल मंदिर हरिद्वार में स्थित दर्पणों का एक प्रसिद्ध हॉल है। शीश महल का मुख्य आकर्षण इसकी श्री राम मंदिर का अभिन्न अंग है। इसका निर्माण हॉल की छत और दीवारों को दर्पणों से सजाकर किया गया है जो प्रकाश किरणों को प्रतिबिंबित करती हैं। यह प्रतिबिंब बदले में श्री राम मंदिर के अंदर पूरे हॉल को रोशन करता है। इस हॉल की दीवारों और छत पर सुंदर पेंटिंग और फूल उफेरे गए हैं और यह भी शुद्ध कांच से बनाई गई है। इस हॉल को कांच से क्यों बनाया गया, इसके पीछे का कारण यह है कि प्राचीन काल में रानी को खुली हवा में सोने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उन्हें सितारों को चमकते हुए देखना पसंद था। इसीलिए राजा ने अपने वास्तुकारों को कुछ ऐसा बनाने का आदेश दिया जिससे उद्देश्य हल हो सके। इस हॉल को सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यदि कोई 2 मोमबत्तियां जलाता है तो प्रतिबिंब उस छोटी सी रोशनी को हजारों सितारों में बदल देता है। यहाँ पे हमारे रामायण और महाभारत काल के सभी घटनाओं को स्वचालित मशीनों द्वारा बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है और जिन्होंने इन्हें बनाया है काबिले तारीफ़ है।